नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 22 अप्रैल 2020, और यहां पर कल के लिए निफ्टी के गेनर और लूजर स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। जैसे कल मैंने डाला था आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट लोगों के उसमें कमेंट आए और काफी अच्छा फीडबैक मिला। जो स्टॉक्स मैंने कल निफ्टी के गेनर लूजर का जो लेवल मैंने बताया था, उस लेवल को जाके आप पहले चेक करें तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके सामने सबसे पहले, फिर आज के गेनर और लूजर की एनालिसिस करेंगे। कल जो गेनर के साइड में मैंने स्टॉक दिया हुआ था डॉक्टर रेड्डी का था, और जो गेनर आया था डॉक्टर रेड्डी था उसमें पहला नंबर पे, उसका जो लेवल मैंने बताया था, अगर मैं इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूं तो लेवल दिया था 4050 के ऊपर बाय करने के लिए, 4050 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था। देखिए 4050 के ऊपर यहाँ पे इसने बाइंग का ऑर्डर ट्रिगर किया, ठीक ना, इस कैंडल पे। और इसमें जो हमारा हाई लगाया, जो टारगेट मैंने दिया था दोस्तों, वो था 4080 से लेके 4100 तक के आसपास का। तो 4090 तक का इसने हाई लगा दिया, यानी कि बहुत अच्छा इसमें हमें रिस्पांस मिला। दूसरा स्टॉक की बात करें तो इंफ्राटेल दिया हुआ था मैंने, आप देखेंगे अगर कल का निफ्टी गेनर लूजर एनालिसिस, तो आप मैंने इंफ्राटेल भी दिया था 166 के ऊपर बाय करने के लिए। और आप देखिए इसने आज बिल्कुल 166 के ऊपर से जो भागा है, तो फिर 168 तक का हाई लगा दिया, और मेरा टारगेट भी 168 से लेके 172 तक का था, तो इसने भी आपको प्रॉफिट ही दिया। उसके बाद तीसरा जो गेनर स्टॉक का था वो था दोस्तों एयरटेल का, यानी कि भारतीय एयरटेल, उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। उसको मैंने बाय दिया था 505 के ऊपर और 495 के नीचे सेल दिया था, तो ये 505 के ऊपर तो गया ही नहीं है ना, ऊपर से ही नीचे आया ना, तो हमारा तो बात ही खत्म हुआ, बाय लेवल ही हमें नहीं गया उस तरफ। 495 के नीचे हमारा सेल था स्टॉक, देखिए 495 को ये ब्रेक किया तो 491 तक का लो लगाया, हालांकि इसमें हमें उतना प्रॉफिट तो नहीं मिल पाए, हमें प्रॉफिट बिल्कुल उतना नहीं मिल पाए, लेकिन 490 तक का एक टारगेट था मेरा, इसने 492 तक का लो लगाया, नहीं लगाया, ये हमारा लगभग लगभग फेल होने की कगार पे था, फेल हो ही गया, लेकिन डॉक्टर रेड्डी और इंफ्राटेल ने अच्छा प्रॉफिट देके गया। इसके अलावा जो स्टॉक था लूजर में वो था इंडसइंड बैंक का। दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया होगा कल वाले लूजर में, तो वो इंडसइंड बैंक का था। इंडसइंड बैंक का भी रिजल्ट देख लेते हैं, बाय दिया था मैंने 405 के ऊपर इंडसइंड बैंक को आज के लिए, और सेल दिया था 395 के नीचे। तो देखिए पहले तो ये शुरू का कैंडल छोड़ते हैं, तो 405 के ऊपर आपको कितने बजे गया ये भी ध्यान दीजिए, ये गया है 10:35 पे। उसके बाद जो इसने हाई लगाया, तो देखिए कितना का हाई लगा दिया, 416 का, और मेरा टारगेट था 410 से लेके 420 तक का, इसने भी माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट आपको दिया। उसके बाद 395 के नीचे सेल भी था, तो देखिए पहले यहाँ पे 395 सेकेंड कैंडल पे ही सेल हुआ है आपका, और टारगेट था मेरा 390 से लेके 380 तक का, तो देखिए 387 तक का इसने लो लगा दिया, इधर भी इसने प्रॉफिट दिया। उसके बाद दूसरा स्टॉक जब था वो बजाज फाइनेंस का था दोस्तों, तो चलिए बजाज फाइनेंस को भी, कल का लूजर में था ये बजाज फाइनेंस, उसके एनालिसिस किया था, बाय लेवल दिया था 2115 के ऊपर तो, और सेल दिया था 2080 के नीचे, पहली कैंडल छोड़ दे, 2080 से ये जो गिरा है तो फिर लो लगा दिया, देखिए 2024 तक का, मेरा टारगेट था इसमें 2065 से लेके 2040 तक का, सारे टारगेट इसमें आए, और बाय दिया था 2115 के ऊपर। तो देखिए 2115 की बात करूँ, 2115 यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर लिया, तो हाई लगाया इसने 2031, और सबसे बड़ा हाई लगाया 2164 का, जो कि मेरा टारगेट था 2130 से लेके 2164 तक का मेरा टारगेट था। तो ये सारे भी इसने अच्छा काम किया। आईसीसी बैंक भी मैंने दिया हुआ था, आप आईसीसी बैंक भी चाहें तो देख सकते हैं आईसीसी बैंक। उसके बाद हम लोग आज की एनालिसिस करेंगे कि कल किस लेवल पे आज के गेनर लूजर में एंट्री किया जाए। 348 के ऊपर मैंने बाय दिया था, तो 348 ये कब गया ये आपको देखना पड़ेगा, 348 गया नहीं तो बाय ऑर्डर नहीं हुआ। 327 के नीचे सेल था, तो देखिए बिल्कुल सेकेंड कैंडल से अगर आपने सेल किया है तो देखिए इसने लो लगाया 323 तक का, तो इसने भी काम करके आपको दे दिया अच्छा खासा। तो ये इस तरह से इसने काम किया है। अब आज का गेनर और लूजर हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एनएस इंडिया खोल लिया, 3 गेनर और 3 लूजर, जील है पहला गेनर, तो हम लोग जील का चार्ट लगाते हैं, यहाँ पे डेली का चार्ट कर लेते हैं, जील को यहाँ पे ले आते हैं, जील का डेली का चार्ट लग गया दोस्तों आपके सामने। देखिए जील बिल्कुल अच्छा खासा ब्रेकआउट की तैयारी पे खड़ा है, जील एक रेंज बना के जील ट्रेड कर रहा था, आज अच्छा गेनर के लिस्ट में ये आया हुआ है, तो कल भी हो सकता है एक चांस ये इसमें बने। तो जील के अगर लेवल की बात कर लूँ, हम लोग जील के लेवल की बात करें तो लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जील का लेवल दोस्तों ऊपर की साइड में, जील के बाय और सेल दोनों के लेवल बात करेंगे हम लोग, बाय साइड भी बात करेंगे, सेल साइड भी,
क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर है, तो बाय का जो रेंज है दोस्तों वो 156 के ऊपर हम लोगों को बाय करना है, जील में पोजिशन बनाना है। और स्टॉप लॉस इसमें आप लेके चलिएगा, एसएल जो लेके चलेंगे हम लोग, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 154 का, 154 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और अगर टारगेट की बात करें जील में, तो बाय साइड का टारगेट, तो इसमें 158 से लेके 162 तक का टारगेट होगा, ठीक है। और सेल अगर करना होगा इसको, तो 151 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, 151 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में दोस्तों, हम लोग स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा सेल साइड का स्टॉप लॉस 153 का। हालांकि देखिए इतना छोटा स्टॉप लॉस ये मानता नहीं, हाई वोलेटाइल स्टॉक है ना, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस ये मानता नहीं, थोड़ा आप लोग बीच में मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों, बस एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग गेनर लूजर का। आप अपना ट्रेड भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, तभी ट्रेड करें, अदरवाइज इग्नोर करें। तो 151 के नीचे सेल करेंगे 153 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो टारगेट की बात करेंगे, तो 149 से लेके जो हमारा टारगेट होगा वो 145 के रेंज के बीच का होगा। ये हुआ निफ्टी के गेनर स्टॉक, पहला स्टॉक जो है जील का उसका। अब दूसरा स्टॉक्स है जो गेनर में वो आया हुआ है, उसको भी हम लोग चेक कर लें, वो है रिलायंस का। चलिए रिलायंस को भी लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रिलायंस के लग गए यहाँ पे, चार्ट लग गए रिलायंस के। अब देखिए रिलायंस भी काफी अच्छे तरीके से गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपन हुआ, न्यूज है इसमें, फेसबुक ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जिसका इम्पैक्ट पड़ा, ये गैप अप खुल गया और उसके वजह से ये गेनर स्टॉक में शामिल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिलायंस के पास ये एक लेवल है जिस लेवल को वो पिछले कई दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है, कई बार वहीं से गिरा भी है वापस, अब उसी लेवल के पास जाके खड़ा हो गया। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग देखेंगे पहले बाय साइड, रिलायंस अगर 1373 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग रिलायंस में, जो होगा 1366 रुपए का। और टारगेट जो होगा इसमें, तो रेंज होगा टारगेट का 1380 से लेके 1394 तक का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर रिलायंस नीचे भी आ सकता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो सेल साइड भी जा सकते हैं, 1360 के नीचे सेल करना है, सेल बिलो 1360। स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में हम लोग रिलायंस में, जो होगा 1367 रुपए का। और टारगेट अगर हम बात करें रिलायंस में, तो टारगेट होगा 1353 से लेके 1340 का हमारा टारगेट का रेंज होगा रिलायंस में, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तीसरा स्टॉक जो है जी इसका गेनर में, उसको देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है तीसरा स्टॉक रिलायंस के भी लेवल, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है एशियन पेंट, तो चलिए एशियन पेंट का चार्ट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे और उसके बाय और सेल लेवल की बात करेंगे। देखिए काफी जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ एशियन पेंट में, इसको अगर ये कंटिन्यू करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग। तो इधर बाय के लेवल लिख देता हूँ और इधर सेल के लेवल लिख देता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, हेवी बुलिश कैंडल बना के ब्रेकआउट हुआ है। तो एशियन पेंट को कल अगर ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है दोस्तों 1823 को, तो हम बाय साइड जाएंगे, बाय अबव 1823 का स्टॉप लॉस जो रहेगा एशियन पेंट में हमारे पास वो 1814 का रहेगा, 1814 का। और जो टारगेट का रेंज होगा हमारा, टारगेट का रेंज वो होगा दोस्तों 1830 से लेके 1845 तक, ये रेंज आपको नजर पे रखना पड़ेगा एशियन पेंट में। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है तो सेल कर देंगे, सेल का जो लेवल होगा वो 1810 के नीचे हम लोगों को सेल करना है एशियन पेंट में। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे एसएल, वो लगाएंगे 1817 रुपए का, 1817 का। और जो टारगेट का रेंज होगा एशियन पेंट में सेल साइड का, वो होगा 1803 रुपए से लेके 1790 तक का, ये रेंज होगा दोस्तों। तो बाय और सेल दोनों के लेवल बता दिए मैंने गेनर स्टॉक्स के, तीन गेनर स्टॉक्स के। अब तीन लूजर स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों कि तीनों लूजर स्टॉक्स कौन कौन सा है। पहला लूजर स्टॉक है ONGC, दूसरा वेदांता, तीसरा LT। तो चलिए ONGC का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, ONGC का चार्ट लगा के चेक करते हैं। ONGC देखिए बिल्कुल कैंडल, सिर्फ वीक्स ही है, कैंडल है ही नहीं। इसके हिसाब से अगर कैंडल की बात कर ले तो दोनों साइड के लेवल की बात कर लेते हैं, काफ़ी वीक दिख रहा है क्योंकि, और नीचे से सपोर्ट भी दिख रहा है। ये लाइन है ना, ये देखिए सपोर्ट लाइन से ही ये बाउंस किया है यहाँ पर से, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बाय के लेवल और सेल के लेवल आपको ध्यान रखना है। तो ONGC को बाय करेंगे 66.50 रुपया के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग 65 का स्टॉप लॉस लगाएंगे।
और जो टारगेट का रेंज होगा हमारा 68 से लेके 70 तक का हो सकता है। सेल साइड अगर जाएगा तो 65 के नीचे हम सेल करेंगे, सेल बिलो 65 होगा। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे दोस्तों 66 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो टारगेट की बात कर लें तो टारगेट का रेंज होगा 64 रुपये से लेके 62 रुपये तक के बीच का रेंज होगा सेल साइड में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को भी याद रखें। तो ये हुआ पहला लूजर स्टॉक ONGC। अब दूसरा लूजर स्टॉक्स की बात कर ले, वो है वेदांता। तो चलिए वेदांता का भी चार्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या वेदांता में क्या हुआ है। देखिए सेम कंडीशन, वेदांता में तो और भी वीक्स बॉडी बनी ही नहीं, सिर्फ वीक्स ही वीक्स है ना। इसके वजह से क्या है, वीक्स बनी है तो नीचे से थोड़ा सपोर्ट भी दिखा रहा है, कंफ्यूजन भी दिखा रहा है। इसके हिसाब से अगर हम लोग लेवल निकालने की बात करें, जहां तक प्राइस को मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो बाय करेंगे हम लोग वेदांता को 78 के ऊपर में, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 76 का होगा। और टारगेट की अगर बात कर ले तो रेंज होगा 80 से लेके 82 तक का टारगेट का रेंज होगा। सेल करेंगे वेदांता, अगर नीचे आता है तो 75 के नीचे हमें सेल करना है, सेल बिलो 75। और स्टॉप लॉस की बात कर ले वेदांता में तो 77 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट का रेंज हो जाएगा 73 से लेके 70 तक का। ये हुआ दूसरा लूजर स्टॉक दोस्तों। तीसरा लूजर स्टॉक्स की बात कर लें तो तीसरा लूजर स्टॉक भी चेक कर लेते हैं कौन सा है, वो है LT का। देखिए LT का लूजर स्टॉक्स है ना। तो चलिए लार्सन एंड टुब्रो का चार्ट लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओ अय्या, कंटिन्यू तीन दिन से क्या आ रहा है, ये डाउन आ रहा है। कंटिन्यू तीन दिन से क्या आ रहा है, ये डाउन आ रहा है। उसका एक रिवर्सल कल एक्सपायरी है, तो एक रिवर्सल भी मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक किया तो वीक है, दूसरा रिवर्सल के चांस है। दोनों को ध्यान में रख के हम लोग ट्रेड करेंगे बाय और सेल साइड। बाय कहाँ पे करेंगे LT को, जब ये 860 के ऊपर निकलेगा ना बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में 854 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन आप कर सकते हैं। टारगेट का रेंज क्या रखेंगे दोस्तों इस कंडीशन में, 866 से लेके 880 तक का रेंज हम लोग रख सकते हैं बाय साइड में। सेल कहाँ करेंगे, सेल करना है हम लोगों को जब ये 849 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा लार्सन में, स्टॉप लॉस रहेगा 856 रुपये का, 856 का। और टारगेट सेल साइड का क्या होगा, 843 से लेके 830 तक का, 830 रुपये तक का, 843 से 830 का रेंज होगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के तीन गेनर और लूजर स्टॉक के एनालिसिस, जैसे कल दिया था बिल्कुल आज भी वैसे दिया। ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। वीडियो एनालिसिस पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजार आर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तीन स्टॉक इंट्राडे के लिए भी मैंने उस चैनल पर बाजार आर्ट न्यूज़ वाले पे डाला हुआ है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।